केक बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे बैटर। बैटर बनाने के लिए यहाँ पर हम लिए हैं बाउल। बाउल में डालेंगे आधा कप फ्रेश दही, एक तिहाई कप रिफाइंड तेल, आधा चम्मच वनीला एसेंस, आधा कप चीनी पाउडर। दही, तेल, चीनी पाउडर को हम अच्छे से मिलाएंगे। सबको अच्छे से मिला दिए हैं। बाउल के ऊपर रखेंगे छलनी। छलनी में डालेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को हम अच्छे से छान लेंगे। सबको अच्छे से छान लिए हैं। मैदा को दही के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। ये केक बनाने में बहुत आसान होता है, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इस केक को दोस्तों एक बार आप जरूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी यह केक की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको अच्छे से मिला दिए हैं। हमें इसी तरह का बैटर चाहिए, ना इससे गाढ़ा चाहिए ना ही इससे पतला। अब हम बैटर में डालेंगे कटा हुआ ओरियो बिस्किट। यहाँ पर 5 बिस्किट को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। बिस्किट को भी बैटर में अच्छे से मिला देंगे। बैटर तैयार है। चलिए बैटर को केक टिन में डालते हैं। केक टिन में डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल। तेल से केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर देंगे। केक बनाने के लिए यहाँ पर हम केक टिन का इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी जगह स्टील के कटोरी या स्टील के टिफिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल से केक टिन को अच्छे से ग्रीस कर दिए हैं। अब हम लगाएंगे बटर पेपर। यहाँ पर हम बटर पेपर का इस्तेमाल किए हैं। आप इसकी जगह 1 चम्मच सूखा मैदा डालकर केक टिन को अच्छे से डस्ट कर दें। बटर पेपर के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड तेल। बटर पेपर को भी तेल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। केक टिन तैयार है। अब हम डालेंगे केक टिन में केक का बैटर। बैटर को केक टिन में डाल दिए हैं। केक टिन को 2 से 3 बार इस तरह से टैप कर देंगे। टैप करने से बैटर में जो भी एयर बबल्स होंगे निकल जाएंगे। बैटर बेक होने के लिए तैयार है। चलिए बेक करते हैं। केक बेक करने के लिए कढ़ाई को लो टू मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिए हैं। कढ़ाई में रखेंगे स्टैंड। स्टैंड के ऊपर सावधानी के साथ रखेंगे केक टिन। कढ़ाई को लीड से ढक देंगे। लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए केक को बेक होने देंगे। केक को बेक होते हुए 40 मिनट हो गए हैं। चलिए चेक कर लेते हैं केक बेक हुआ कि नहीं। लीड को हटा देंगे। केक को चेक करने के लिए यहाँ पर हम टूथपिक लिए हैं। आप इसकी जगह चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूथपिक को केक के सेंटर में इस तरह से डाल के निकाले हैं। आप देख सकते हैं टूथपिक एकदम क्लीन आया है, इसमें जरा सा भी बैटर नहीं लगा है। यानी कि हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। हम गैस को बंद कर देंगे। चेक करने के बाद आपके टूथपिक या चाकू में बैटर लग रहा है तो आप केक को ढककर 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फिर से बेक कर लें। आपका केक अच्छे से बेक हो जाएगा। केक टिन को सावधानी के साथ हम कढ़ाई से निकाल लेंगे। कढ़ाई से केक टिन निकाल लिए हैं। केक को ठंडा होने देते हैं, फिर आपको केक टिन से केक निकाल कर दिखाते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए यहाँ पर हम लिए हैं पैन। पैन में डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा कप पिसी हुई चीनी का पाउडर। सबको अच्छे से मिला देंगे। सबको अच्छे से मिला दिए हैं। अब हम डालेंगे दूध। यहाँ पर 1 कप उबला हुआ नॉर्मल दूध लिए हैं। पूरा दूध एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके हम घोल बना लेंगे। फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे। जो बचा हुआ दूध है उसको भी डाल देंगे। सबको अच्छे से मिला दिए हैं। चलिए गनाश के घोल को पकाते हैं। गैस ऑन कर दिए हैं। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पर कर दिए हैं। लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट पकने देंगे गनाश को।
यहाँ पर हमें लगातार चलाना है। यदि आप चलाना छोड़ देंगे तो आपके गनाश में गुठलियाँ पड़ जाएंगी, तो आपका चॉकलेट गनाश अच्छा नहीं बनेगा। चॉकलेट गनाश को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, अभी थोड़ा सा हमें पतला लग रहा है, 1 से 2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। 2 मिनट हम फिर से पका लिए हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच बटर लिए हैं, बटर को डाल दे रहे हैं। बटर को भी चॉकलेट गनाश में अच्छे से मिला देंगे। बटर डालने से चॉकलेट गनाश में चमक आती है। बटर को गनाश में अच्छे से मिला दिए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमें इसी तरह का गनाश चाहिए, इससे गाढ़ा नहीं करना हमें। अभी ठंडा होने के बाद गनाश और गाढ़ा हो जाएगा। जब तक गनाश ठंडा हो रहा है तब तक चलिए केक को केक टिन से निकाल लेते हैं। केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है, केक टिन के ऊपर रखेंगे प्लेट। प्लेट को इस तरह से घुमा देंगे, केक टिन को 2-3 बार इस तरह से टैप कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, कितने आसानी से केक टिन से केक निकल गया है। हम केक से बटर पेपर निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना हुआ है दोस्तों। आप केक को ऐसे ही काट कर खा सकते हैं, पर केक को और चॉकलेटी बनाने के लिए अब हम केक के ऊपर डालेंगे चॉकलेट गनाश। प्लेट के ऊपर रखे हैं स्टैंड, स्टैंड के ऊपर रखेंगे केक, केक के ऊपर डालेंगे चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश केक के चारों तरफ फैल गया है, केक को ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट में। केक को प्लेट में ट्रांसफर कर लिए हैं। केक को 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में। यहाँ पर हम ओरियो बिस्किट से क्रीम निकाल लिए हैं, क्रीम को बीच से काट कर 2 पार्ट में कर दिए हैं। अब हम क्रीम से बनाएंगे केक के डेकोरेशन के लिए फ्लावर। इस तरह से आप देख सकते हैं क्रीम को फोल्ड कर दिए हैं। ये दूसरे साइड से भी ऐसे करेंगे। ये देखिए हमारा एक फ्लावर बन गया। इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं। केक को फिर से बाहर निकाल लिए हैं, केक अच्छे से सेट हो गया है। फ्लावर को केक के ऊपर रख दे रहे हैं। एक फ्लावर हम और बनाए थे, इसको भी रख देंगे। यहाँ पर हम चेरी लगा देंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा केक बनकर तैयार है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा केक बनकर तैयार हुआ, बहुत टेस्टी बना हुआ। एक बार आप जरूर बनाएं, और आपका केक कैसा बना मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। थैंक यू।